आप विश्वास नहीं करेंगे, 2015-16 में मेरी काया पलट हो गई। मैं GCSS गई बैंगलोर, वहाँ पे जो वो वातावरण और उस मेगा पिरामिड की जो ऊर्जा और वहाँ का जो लोगों का सानिध्य मिला मुझे, पत्री सर का सानिध्य मिला, उससे मेरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने लग गया। मैंने अपने अंदर बहुत कुछ महसूस किया, बहुत कुछ महसूस किया। नमस्ते परम पिता परमेश्वर और हमारे प्यारे गुरु जी सुभाष पत्री जी को मेरे के चरणों में मेरा वंदन। मेरा नाम श्री नीता गोयनका है, मैं कटक में रहती हूँ और मेरा जन्म एक आध्यात्मिक परिवार में हुआ कलकत्ता में, जहाँ की मेरी ग्रैंडमदर के साथ मैं बहुत उनके साथ हरदम पूजा पाठ भगवान गुरु जनों का सानिध्य मैंने बहुत पाया है बचपन में। यहाँ तक कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरी दादी ने मेरे पापा को बोला कि इसकी शादी जल्दी कर दो, नहीं तो ये साधु हो जाएगी। तो इतना मेरा खिंचाव था भगवान के प्रति या कोई गुरु आता था उनके प्रति। फिर जब मेरी शादी हुई, मैं 18 साल की थी और मुझे गृहस्थ जीवन में डाल दिया गया और मैं पूरी गृहिणी बन गई। यहाँ आके भी एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक परिवार मिला और मैं पूरी तरह से परिवार में रम गई। बहुत पूजा पाठ किए, व्रत उपवास किए, जैसे जैसे मेरी सास बोलती थी मैं करती थी। मेरा अपना कोई वजूद आप बोल सकते नहीं था, जो लोग बोलते थे मैं वो करती थी। मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए, उन्हीं के लालन पालन में मेरा जीवन यापन होने लगा। और मेरी ननद की शादी थी, वहाँ पे मैं गिरी और मेरी पाँव की हड्डी टूट गई थी, जिसके कारण मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाके मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया गया और उसके साइड इफ़ेक्ट के वजह से मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। वो बहुत ही पेनफुल था, मैं 3 महीने तक बेड पर थी। बहुत दवाइयाँ, स्टीरोइड्स, मेरा शरीर ख़राब हो गया पूरा स्टीरोइड्स खा खा के, लेकिन बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था, अपना कुछ सोचने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो जैसा बोलते थे मैं वैसा कठपुतली के जैसे करती थी। कोई मेरा बुरा नहीं चाहता था, सब बहुत अच्छा ही चाहते थे, लेकिन मेरे को अंदर से ये ज्ञान नहीं था कि और भी कोई रास्ता हो सकता है। बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ी, बहुत दवाइयाँ खाई मैंने बहुत मेडिकली मैं बहुत तकलीफ़ पाई और मैंने बहुत सारी दवाइयों पे मेरा जीवन चला। मतलब छोटी सी छोटी चीज़ के लिए दवाई लेनी पड़ती थी मुझे। 1991 में जब मैं गिरी और उसके बाद जो वो दवाइयों का सिलसिला और इंजेक्शन्स का सिलसिला शुरू हुआ, वो जाके 2010 तक 11 तक चला और उसमें वो इंजेक्शन्स ले लेके मेरा शरीर एकदम ख़त्म होने आ गया। उसके बीच में और भी शारीरिक प्रॉब्लम्स आए। 2002 में मेरी सासू माँ की डेथ हुई, तो भी ये आत्मज्ञान नहीं था कि रियल मायने में डेथ किसको बोलते हैं या डेथ का क्या मतलब है। हम लोग को जो सुना था बचपन से, जो सिखाया गया था, उसी के बहुत सबको कोसना, सबके बारे में गलत बोलना, सब भगवान को कोसना कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, इतनी छोटी सी उम्र में मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे आ गई। एक खालीपन था, मैं आध्यात्मिक थी लेकिन फिर भी एक खालीपन था। कुछ भी ऐसे लगता नहीं था कि मेरे अंदर कुछ पूर्ण है, कि मेरे अंदर कुछ पूरा है। मेरे एक खोज रहती थी, एक दिमाग में रहता था कि मेरे को कुछ मिलना चाहिए जो कि मेरे को परिपूर्ण करे, जो मेरे को पूरा करे, लेकिन वो चीज़ नहीं था कहीं पे भी। मैं बस वो भाग दौड़ की दुनिया में, वो
भेड़िया भसान में मैं लगी रही। फिर बच्चे चले गए बाहर पढ़ने, और घर में मैं अकेली, मेरे हस्बैंड थे उस समय में, उनका बहुत साथ मिला मेरे को। फिर उनको कुछ गलत आदतें लग गई, जिसके कारण मेरे घर में बहुत अशांतियाँ फैलने लग गई, बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़े और अशांति होने लग गई, जिसके वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ने लग गया, डिप्रेशन आ गया मेरे को। मैं न किसी से बात करती थी न कुछ, पूरी तरह से मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, मेरे को डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ रही थी। 2010 में अचानक से मेरी ननद ने मेरे को बोला कि भाभी चलिए, बगल में सुशीला भाभी जी का घर है, वहाँ पे ध्यान हो रहा है, आप वहाँ चल के सुबह में ध्यान करिए तो आपको अच्छा लगेगा, मे बी यू विल फील गुड। हम बोले ठीक है। उसके पहले मैंने आर्ट ऑफ लिविंग किया, आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स किया, उनका फिर वो एडवांस कोर्स भी किया, वो क्रिया भी करती थी रोज़, लेकिन उसके बाद भी जब वो खालीपन रहता था, वो एक वैक्यूम रहता था कि नहीं, कुछ मिसिंग है लाइफ में, ये चीज़ नहीं है, ये है रास्ता, ठीक है, मैं किसी रास्ते को गलत नहीं मानती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है शायद। बहुत सत्संग, किताबें भी बहुत पढ़ती थी फिर, लेकिन कहीं पे मेरे को वो आनंद नहीं मिला। तो फिर मैं सुशीला भाभी जी के, जो कि आज मदर इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, उनके घर जाने लग गई, और वहाँ जाके मैंने ध्यान स्टार्ट किया करना धीरे धीरे करके, जो कि मेरा शायद, मैं बहुत सारा बैगेज ढो रही थी, तो मेरे को 3-4 साल लग गए मेरे वो सारे बैगेजेस उतारने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2015-16 में मेरी काया पलट हो गई। मैं GCSS गई बैंगलोर, वहाँ पे जो वो वातावरण और उस मेगा पिरामिड की जो ऊर्जा और वहाँ का जो लोगों का सानिध्य मिला मुझे, पत्री सर का सानिध्य मिला, उससे मेरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने लग गया। मैंने अपने अंदर बहुत कुछ महसूस किया, अंदर से एक नव जीवन जैसे ऊर्जा मुझे मिलने लग गई। मेरे को लगा कि मेरे अंदर एक नया पन कुछ आया है, मेरे अंदर एक साहस, एक आत्मविश्वास ये पैदा होने लग गया। 2016 में अचानक से वो इंजेक्शंस खा के मेरा शरीर इस तरह बिंद गया था कि मैंने एक दिन जस्ट डिसाइड किया कि मेरे को अब वो दवाई की दरकार नहीं है। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि अब तेरे को ये इंजेक्शंस और ये दवाई नहीं चाहिए, तू बंद कर दे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, 1991 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस समय से मेरे को एक बुरी लत भी लग गई थी गुटखा खाने की, जर्दा और मसाला, और मैं इतना खाती थी कि कोई मेरे को बोलता था छोड़ने के लिए तो मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती थी, और बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी मैं, बहुत गुस्से वाली थी, इरिटेटेड हो जाती थी जल्दी से, मेरे को कोई भी कुछ बोलता मेरे को तुरंत गुस्सा आता था, मैं तुरंत रिएक्ट करती थी। वो सब जाके ध्यान करते करते 3-4 साल बाद अचानक एक दिन मैं बैठी थी, मुँह में मसाला था, और मेरे अंदर से एक इतनी तेज़ आवाज़, इतना क्लियर मेरे को कुछ सुना कि अब तेरे को इसकी दरकार नहीं है, तू थूक दे इसको। और मैंने वहाँ बाथरूम में जाके बेसिन में वो पूरा मुँह से थूका, और उसके बाद अच्छा 6 साल हो गए हैं, मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया है। और उसी तरह से मैंने, मेरे इंजेक्शंस बंद हुए, मेरी वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयाँ बंद हुई, जिसके लिए मेरे को डॉक्टर्स लोगों ने बहुत डराया कि आपका हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, हार्ट में बबल्स बन जाएंगे, हार्ट में आपके सिस्ट बन जाएंगे, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपको ज़िंदगी भर इसकी दवाई खानी पड़ेगी, ज़िंदगी भर ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा। मैंने बोला कुछ नहीं लेना पड़ेगा मेरे को, आई एम परफेक्टली, मेरे को एकदम ठीक हूँ मैं। और मैंने वो इंजेक्शन भी उस दिन स्वाहा कर दिया, ध्यान की अग्नि में उसको जला दिया। फिर ध्यान करने में बहुत मज़ा आने लगा, मुझे बहुत सारे मेरे आंसर्स मिले,
अब शरीर है तो कुछ ना कुछ बीमारी भी आई जाती है कभी कभी। बीच में मेरे को फिर मेरे बच्चों की शादी हुई 2010 में, बेटी की शादी हुई। वो बेटी की शादी होने के बाद में मुझे बहुत खालीपन लगा, क्योंकि और घर पे कोई भी नहीं था और हस्बैंड भी थोड़ा सा अलग टाइप से अलग दिशा में चले गए थे। तो अंदर से बहुत वीक अपने आप को महसूस करती थी, ऐसे लगता था जैसे मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं किसके सहारे जीऊँ। मैं सहारा खोजती थी बाहर भी, लेकिन ध्यान में आने के बाद मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास आया और मेरे को अब ये महसूस हुआ, मेरे को ये ज्ञान आया कि नहीं, मुझे किसी की दरकार नहीं है, मैं अकेले, मैं खुद में परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। और मैं, मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ आया कि मैं बहुत कुछ मैंने संभाला, मेरे हस्बैंड को भी संभाला, मेरे ससुर जी को भी संभाला और अपने आप को संभाला, घर को पूरा, बिजनेस को संभाला। जो कि मैं क्लास 10-11 पास हूँ, मुझे बिजनेस का भी नहीं मालूम था। मेरे हस्बैंड ने मुझे जितना कुछ सिखाया, अपना कुछ दिमाग लगा के मैंने अपना पूरा बिजनेस संभाला। बहुत उतार चढ़ाव देखे लाइफ में, किंतु जितनी हिम्मत और जितना आत्मविश्वास ध्यान से मिला, किसी भी चीज़ से नहीं मिला। दो बार मैं GCSS गई और उसके बाद फिर हम लोग ऋषिकेश गए दो बार। ऋषिकेश जाने से तो मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया ऋषिकेश ने। अब तो मुझे वो जगह इतनी खींचती है कि मेरे को अब ऐसे लगता है कि अपनी जिम्मेवारी हम पूरी करके मैं वहीं जाके रह जाऊं और सिर्फ ध्यान करूं और वो ज्ञान की गंगा में नहाऊं। किताबें बहुत पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ी, जिससे मुझे बहुत बल मिला, बहुत आत्मविश्वास मिला। 2018 में अचानक से मेरे कमर में दर्द स्टार्ट हुआ। कमर में दर्द स्टार्ट हुआ तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। मैं गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला कि ये साइटिका का पेन है और अब आपका लाइफ अब क्रिपल्ड हो जाएगा, अब चल नहीं पाओगे, अब ज़मीन में बैठना तो भूल जाओ, कभी भी मत बैठना, झुक नहीं पाओगे। मैं घर आके बहुत रोई, मैं बोली ये कैसे हो सकता है मेरे साथ। फिर मैं ध्यान में बैठी तो मेरे अंदर से आवाज़ आया कि नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, थोड़ा सा डॉक्टर का सहारा लो और थोड़ा अपने ऊपर विश्वास रखो। मैंने कुछ थोड़ा सा डॉक्टर का सहारा लिया, शुरू के 5-6 दिन मैंने थोड़ा सा मेडिसिन खाया और उसके बाद में मैं फ़ोन पे ये जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज म्यूज़िक जो होता है उसको सुन सुन के, मैं रात को सोती थी तो भी वो सुन के मैं ध्यान करती थी, सुबह बैठती थी ध्यान में, लेटे लेटे भी ध्यान करती थी तो उसी को सुन के करती थी। 3 महीने में मेरा वो पूरा दर्द ख़त्म हो गया। आज के दिन मैं 2-2.5 घंटा ज़मीन में बैठ के ध्यान करती हूँ, मैं झुक के अपना सारा काम करती हूँ, मेरा शरीर एकदम परफेक्टली ऑल राइट है, मुझे कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं चाहिए। और तो मैं सबसे यही बोलूँगी कि ध्यान में इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आज जो भगवान थे, या हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण के बारे में बात करते हैं, कृष्ण की सारी लीलाएं हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी शक्ति, ध्यान की शक्ति थी, ये हम लोगों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। मेरे बेटे की शादी हुई, घर में बहुत उतार चढ़ाव आए, सबको सहने की, सबको सब में अच्छा देखने की हिम्मत मिली मुझे। आज के दिन मेरी बेटी स्नेहा अग्रवाल बहुत बड़ी मास्टर है शायद, और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ, आज से 2 साल पहले तक जब मैं उसको ध्यान करने के लिए बोलती थी तो वो मेरे पर गुस्सा हो जाती थी कि तुम करो, हम तुमको तो मना नहीं करते हैं, हमको मत बोलो करने। और आज के दिन वो ध्यान में इस तरह डूब चुकी है कि कहीं वो मेरे से आगे ही निकल गई है। अभी लॉकडाउन में बहुत कुछ सीखा मैंने, मेरी एक
हॉबी थी ड्राइंग करने की, स्केच करने की, डूडलिंग करने की, वो कहीं दब के रह गई थी। और अभी लॉकडाउन पीरियड में ध्यान करते करते अचानक से मेरे दिमाग में, मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि तुम्हारी वो पुरानी छुपी हुई कला को वापस से उभारो, वापस से अपने लेके आओ, अपना जीने का सहारा बनाओ उसको। तो मैंने अब वापस से वो सब करना शुरू किया, मंडालास बनाए मैंने, बहुत सारे मंडालास बनाए। तो वो करते करते तीन तीन चार चार घंटा मेडिटेटिव स्टेट में रह के मैं वो ड्रॉ करती थी, बहुत अच्छा लगता था। जब इच्छा होती थी तब मेडिटेशन में बैठ जाती थी, पूर्णिमा ध्यान, छत के ऊपर बैठ के अकेले रहने का मज़ा, अकेले खुद के साथ समय व्यतीत करना, लोगों के प्रति मेरा नज़रिया पूरा बदली हो गया। आज के दिन मैं, मेरे घर में जो मेरी सहायता करते हैं मेरा घर चलाने में, मेरे जो जिनको आप सेवक बोल सकते हैं, उनके तरफ भी मेरा नज़रिया बदला और मैंने उन लोग को भी ध्यान सिखाया। उनमें से चार में से तीन लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया और वेजिटेरियन बन गए। हमारे में ये बुद्धि है, हमारे में विवेक है, हमारे में ज्ञान है कि हमको किसी को बुरा नहीं बोलना है, हमें सब में अच्छाइयाँ दिखनी है, सबका नज़रिया राइट होता है। हो सकता है आपके नज़रिए से कोई इंसान गलत काम कर रहा हो, लेकिन नहीं, उसका नज़रिया भी मायने रखता है। और तो सबको साथ में लेके चलना, हमारी ख्वाहिशें, हमारी ज़रूरतें बहुत कम हैं, लेकिन इस जीवन की आपाधापी में हम सब भूल जाते हैं, हम हमारा जीवन का उद्देश्य ही भूल जाते हैं यहाँ आकर। तो ध्यान उसकी तरफ आपको मोड़ता है, आपके जीवन के उद्देश्य से आपको मिलाता है, आपके जीवन को संदेशमय संपूर्ण बनाता है। मैं सबसे, जो भी आज पीएमसी हिंदी चैनल देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ 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 ध्यान जरूर करें। बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन बहुत पावरफुल है। इससे ज़्यादा पावरफुल, इससे ज़्यादा संपूर्ण और कुछ भी नहीं है जीवन में। मेरी मदर के साथ भी मेरे कुछ चाइल्डहुड वूंड्स थे जिनको कि मैंने हील किया इनर चाइल्ड वर्क करके, क्योंकि मुझे हरदम एक ठो मेरी माँ से प्रॉब्लम ना होते हुए भी कहीं ना कहीं डीप विद इन मेरे को लगता था कुछ एक छोटा प्रॉब्लम है, जो कि मेरे को उससे वो दूरी बनाने पे मजबूर करता है। फिर मैंने अपने इनर चाइल्ड के ऊपर काम किया, जिससे कि मुझे वो पिन पॉइंट किया मैंने वो प्रॉब्लम को और मैंने उस चीज़ को हील किया। आज के दिन मेरी मम्मी का और मेरा रिलेशनशिप इतना सुंदर है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई चोज हर एज माई मदर। मेरी बेटी के साथ भी मेरी रिलेशनशिप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पहले बहुत अच्छी थी, उसकी शादी के बाद उसके बच्चे नहीं हुए। ये इंटरलिंक्ड है, कोई टाइम वो ही स्टोरी सुनाएगी तो अच्छा रहेगा। उसके पास्ट लाइफ में मैंने बहुत सारे रोल्स प्ले किए उसके लाइफ में, और सारे नेगेटिव रोल्स मैंने प्ले किए उसके लाइफ में, जिसके कारण से इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम था, लेकिन फिर मैंने ही वो प्रॉब्लम को हील भी किया। उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो पास्ट लाइफ में मैं ही कारण थी जिसके वजह से मैंने उसके बहुत सारे बच्चों को ख़त्म किया या डिस्ट्रॉय किया या फिर उसको बच्चे नहीं होने दिए। तो इस जीवन में भी उसने ये लेके पैदा हुई कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकेगी। तो वो मेरे से इसी बात पे शायद बहुत चिढ़ती थी, अननोइंगली चिढ़ती थी। तो फिर मैंने आउट ऑफ द वे जाके मैंने उसको कन्विंस किया कि तुम अडॉप्ट करो, एंड आज के दिन उसके
गोद में जो बच्ची है वो मैं बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया कि वो बच्ची उसकी गोद में आए। तो वो आने के बाद हम लोगों की वो जो एक प्रॉब्लम थी वो हील हुई और अब हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मेडिटेशन को, ध्यान को, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों से मिलना, सज्जन सानिध्य करना और खुद के अंदर मंथन करना, खुद के अंदर ये जिज्ञासा रखना कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, उसको कंप्लीट करना वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग दूसरों में हजार गलतियाँ निकाल देते हैं लेकिन हमारी अपनी खुद की गलतियाँ हमको नहीं दिखती है, ना हम कभी सॉरी बोलना चाहते हैं। ध्यान ने मुझे ये एक चीज़ बहुत अच्छा सिखाया, मैंने बहुत सॉरी बोलना सीख लिया है। मैं अब कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मेरी तो गलती नहीं थी, मैं क्यों सॉरी बोलूँ। अब मेरे में वो सब नहीं है, मैं तुरंत सॉरी बोलती हूँ और बहुत एनर्जी फील होता है, बहुत ऊर्जा फील होती है, दिन भर एक्टिव लगता है। और ध्यान करने से आपका मन बहुत ठहरा हुआ रहता है, मन में उचाटी नहीं होती है, गलत विचार नहीं आते मन में। मेरे हस्बैंड आज भी वही जगह पे हैं जहाँ वो 8 से 10 साल पहले थे, लेकिन आज मैंने वो सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है बहुत ग्रेसफुली। मैं उनका बहुत ज़्यादा मेरे अंदर आभार है, ग्रैटिट्यूड है कि आज उनकी वजह से मेरे को मेरा रास्ता मिला। तो पथरी सर ने मेरे को कहा था कि मैडम वो आपके गुरु हैं, उनको रोज़ प्रणाम कीजिए। तो मैं रोज़ उनको प्रणाम जरूर करती हूँ एंड मैं भगवान का, सबका, बड़ों का, सबका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक कारण मिला। वो मेरे गुरु इस तरह लिए हैं कि उन्होंने मुझे इस पथ पर ढकेला और मेरे जीवन को एक सुंदर दिशा मिली। मेरे घर में मैंने 4-5 छोटे वाले पिरामिड्स रखे हैं जो कि एक तो पानी के ऊपर है और एक मेरे किचन में है। तो उससे पिरामिड ऊर्जा से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी सकारात्मक हो जाती है। पानी का प्रभाव मैंने देखा है, जो पानी मैंने बिना पिरामिड ऊर्जा के साथ मैं पीती थी उसके वजह से मेरे पेट में दर्द वगैरह होता था, अभी पिरामिड रखने के बाद, पानी पीने के बाद वो सब प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है। और किचन में भी है, मेरे रूम में भी है। तो रूम में रहने से पिरामिड की ऊर्जा से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शांत है और रूम की ऊर्जा भी बहुत अच्छी रहती है। तो पिरामिड ऊर्जा को आप लोग सब जगह ज़रूर यूज़ करें, मैंने अपने जीवन में अपनाया है और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। यदि शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बस एक ही उपाय नज़र आता है कि ध्यान करने बैठ जाओ, वो ठीक हो जाएगा। 2 दिन पहले मेरा पेट खराब हो गया था तो मैंने घरेलू कुछ दवाइयाँ नुस्खे अपनाए और मैंने ध्यान किया। सो अब हर चीज़ का इलाज ध्यान है। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि सब कोई ज़रूर ध्यान करें। एंड PMC हिंदी चैनल हमारा ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे बहुत सारे वीडियोस इस पे अपलोड होंगे, आप लोग उनका आनंद लें और हमारी दुनिया में आप भी जुड़ें, क्योंकि यही रियल मायने में, सही मायने में दुनिया है आपके जीवन की। बाकी सब छल है, सब कपट है, सब माया है। थैंक यू सो मच।